हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्टी भारत में। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर 2022 से 2023 के होम सेशन में मुंबई छोड़कर गोवा की ओर से खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। करियर के इस मोड़ पर अर्जुन के लिए मैदान पर अधिक से अधिक समय रहना महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है कि इस बदलाव से अर्जुन के अधिक प्रतियोगिता मैच में खेलने की संभावना में सुधार होगा। अर्जुन अपने क्रिकेट करियर के एक नए स्टेज की शुरुआत कर रहे हैं। गोवा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सूरज लिटिलकर ने कहा कि स्टेट की टीम को लेफ्ट हैंड के तेज बॉलर की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें लेफ्ट हैंड के तेज बॉलर की जरूरत है और अर्जुन ने दिलचस्पी दिखाई है। हम आम तौर पर प्रोफेशनल की भर्ती करते हैं और अगर वह हमारी टीम की आवश्यकताओं के अनुरूप है तो उन्हें चुना जाएगा या हमारे सिलेक्टर्स पर डिपेंड करता है। 22 वर्षीय अर्जुन पिछले सीजन में लीग स्टेज में मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे, लेकिन ऑलराउंडर के लिए जगह नहीं बना सके। मुंबई में उपलब्ध प्रतिभा की गुणवत्ता को देखते हुए यह युवा खिलाड़ी किसी भी स्तर पर प्ले 11 में जगह नहीं बना सके। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और मुंबई के मेन सेलेक्टर्स सलील अंकोला ने उम्मीद जताई कि इस कदम से अर्जुन के करियर को बढ़ावा मिलेगा। अंकोला ने कहा, हमने उन्हें पिछले साल रणजी ट्रॉफी के लिए चुना था, लेकिन वह 11 में जगह नहीं बना सके। वह एक बेहतर प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उन्हें केवल कुछ मैच का समय चाहिए ताकि वह अपनी क्षमताओं को साबित कर सके। मुझे उम्मीद है कि यह स्विच उन्हें बेहतर बनाएगा। होम सेशन इस साल 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन असली अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता जो अर्जुन के लिए एक अवसर प्रदान कर सकती है वह 2 महीनों में होगा, जो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर लीग स्टेज तक चल रहा होगा। गोवा पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप डी में एक ड्रॉ और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर रहा था। देश का प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट इस साल 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और भी इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्पोर्टी भारत को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।